सब्सक्राइब करें एक्सप्लोर सुमित को एंड प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आप देखें मेरे वीडियो सबसे पहले। Hey, what's up guys, welcome to Explore Sumit। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसा कि आपको पता ही होगा कि जियो ने फिर से हमें अप्रैल फुल बनाया और वो ऐसा फुल बनाया कि वी वॉन्टेड टू बी फुल लाइक दिस, कि जियो ने ऐसा सरप्राइज समर सरप्राइज ऑफर लॉन्च किया है कि जिसमें आपको अगेन वो तीन महीना का सारा ऑफर कम्प्लीमेंट्री जितना भी ऑफर था वो पूरा फ्री दे रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये सारे पॉइंट को कवर करूंगा कि ये पाने के लिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये सबको मिलेगा। कुछ चीज़ें जो आपको करनी पड़ती हैं ताकि आपको मिलेगी और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी पड़ती है। तो इस वीडियो में मैं ये सारे पॉइंट को कवर करूंगा, तो देखते रहिए इस वीडियो को पूरा एंड तक। तो जैसा कि कल रात को मुझे पता चला जब मैं अपना 303 का रिचार्ज कर रहा था और वो नहीं हो रहा था, मुझे इस तरह के एरर मिल रहे थे जैसा कि आप देख सकते हैं। तो सर्वर पे बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो रहा था तो सर्वर वो रिचार्ज नहीं ले रहा था। इनफैक्ट फ्री चार्ज पे बहुत सारे ऑफर थे, पेटीएम पे ऑफर थे, मोबी क्विक पे थे, और इवन जियो वॉलेट का जो ऐप है जियो मनी का, उससे भी वो रिचार्ज नहीं ले रहा था। बट फाइनली वो रात के 1 बजे के बाद रिचार्ज लिया, क्योंकि तब जो ट्रैफिक का जो लोड था वो थोड़ा कम हुआ था। तो अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे रिचार्ज करते वक्त, बहुत से साइड में अभी भी रिचार्ज नहीं हो रहा है, वैसे तो पेटीएम जियो पेटीएम फ्री चार्ज वगैरह ये जो जितने थे इन्होंने तो सारे जियो का ऑप्शन हटा दिया, क्योंकि जियो ने अभी उनको अपना जो API दिया था उसे ब्लॉक करके रखा है, तो वहाँ पे अभी रिचार्ज नहीं हो रहा है। आपको सिंपली माई जियो के ऐप से रिचार्ज करना होगा, या फिर आप जियो मनी ऐप से रिचार्ज कर सकते हो, या फिर जो jio.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप वहाँ से रिचार्ज कर सकते हो। तो अब मेन टॉपिक पे आते हैं कि आपको करना क्या है। आप लोगों को तो पता ही होगा कि यहाँ पे तो 3 महीना का फ्री ऑफर जो था, जो अभी आप यूज़ करते हैं डेली 1 GB और जितने भी प्लान है वो आप आसानी से यूज़ करेंगे। बट यहाँ पे ऑफर ये है कि ये उनके लिए जिन्होंने 99 का रिचार्ज करवाया है, ठीक है, और जियो ने 15 अप्रैल तक इसको एक्सटेंड किया है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो डेडलाइन था जियो का, जो डेडलाइन था वो था 31 मार्च रात 12 बजे के पहले, ठीक है। उसके अंदर आपको मेंबरशिप लेनी पड़ती थी, अगर आप नहीं लेते थे तो आपको नहीं मिलता था। बट जियो ने अपना डेडलाइन को इनक्रीज़ करके यहाँ पे 15 अप्रैल तक किया है, मतलब कि 15, अगर अभी तक आपने 99 का प्राइम का जो मेंबरशिप नहीं लिया है तो आप 15 अप्रैल तक, आपके पास डेडलाइन है, आप 15 अप्रैल के पहले ले सकते हो। और यहाँ पे एक और ऑफर रिलायंस ने ये लॉन्च किया है कि अगर उन लोगों के लिए जिन्होंने 99 का रिचार्ज करवाया है एंड अलॉन्ग साइड 303 का भी रिचार्ज करवाया, क्योंकि अगर आपको फ्री पाना है 3 महीना और जून तक, क्योंकि आप जो प्लान रिचार्ज करवाओगे वो हिट करेगा, जो काम करेगा वो 1 जुलाई से काम करेगा, तो नेक्स्ट और 3 मंथ फ्री पाने के लिए आपको 99 का तो रिचार्ज मेंबरशिप तो लेना पड़ेगा, ये तो कंपलसरी है। और उसके बाद आप जियो में बहुत सारे प्लान है, 99 का है, एक 149 का और बहुत सारे प्लान है, बट आपको मिनिमम 303 का करना पड़ेगा, ये है एलिजिबिलिटी, ठीक है। तो 303 का जैसे आप रिचार्ज करते हो तो वो आपको 3 महीने का सर्विस और अच्छे से फ्री में मिल जाता है। और दूसरी बात जो होती है कि उसके साथ आपको जो 5 GB का एक्स्ट्रा जो बूस्टर प्लान मिलता है वो भी आपको मिलता है, और जो 3 महीना फ्री मिलेगा अभी जैसे आप हैप्पी न्यू ईयर का जो ऑफर यूज़ कर रहे थे 31 मार्च तक, जो भी बेनिफिट आपको मिल रहा है 1 GB डेटा फ्री, कॉलिंग अनलिमिटेड, वो सब कुछ आपको 3 महीने तक और मिलने वाला है, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारे FAQ देखेंगे इस टॉपिक के रिलेटेड, जो कि आप सर्च करते होंगे गूगल पे या यूट्यूब पे, तो वो सारे टॉपिक को मैंने क्लियर किया वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे देख सकते हैं। FAQ में मैंने सारे टॉपिक को एक्सप्लोर करके वहाँ पे लिखा है और वो सारे टॉपिक को मैंने यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। तो अब जो सेकंड क्वेश्चन आता है वो ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो 99 का रिचार्ज करने के बाद भी उनको 303 का प्लान नहीं लेना था, 149 का लेना था। तो मैं यहाँ पे सिंपली बता दूँ कि 149 का अगर आप रिचार्ज करवाते हो तो आपको 3 महीने का बेनिफिट जो है वो आपको नहीं मिलेगा। 15 अप्रैल तक तो सबको फ्री मिल रहा है, अभी आप जो करवाए नहीं करवाए सबको फ्री मिल रहा है, बट अगर आप 149 का रिचार्ज करवाते हो तो आपको जो 3 महीने तक, जो 30 जून तक जो फ्री मिलने वाला है, वहाँ पे आपको ये पूरा फ्री ऑफर नहीं मिलेगा, आपके प्लान से फिर वो डिडक्ट होगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोच रहे होंगे कि अगर उन्होंने क्या उनका 149 वेस्ट हो गया या फिर वो उनका कुछ लॉस हो गया, वो 3 महीने तक नहीं मिल पाएगा उनको फ्री सर्विस, तो ऐसा कोई बात नहीं है, निराश होने वाली कोई बात नहीं है। मैंने जियो के कस्टमर केयर में 2-2 बार कॉल किया और दोनों बार मुझे सेम ही आंसर मिला कि अगर आपने 149 का रिचार्ज कर लिया है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, आपको 303 का एक बार रिचार्ज और करवाना पड़ेगा, ठीक है। आप 303 का रिचार्ज करवाते हो तो आप एलिजिबल हो जाओगे 3 महीने के सर्विस के लिए, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन होगा कि अगर आप 149 का जो आपने रिचार्ज करवाया है वो क्या वेस्ट हो जाएगा, 303 फिर हिट करेगा? नहीं, 1 जुलाई से आपका जो 149 का आपने रिचार्ज करवाया वो हिट करेगा, फिर अगस्त का जो मंथ स्टार्ट होगा उसमें आपको 303 वाला जो प्लान आपने रिचार्ज करवाया है, जो अभी आप कर सकते हो या फिर करोगे, वो आपको हिट होगा।
तो आशा करता हूँ कि ये जो क्लियर था, ये जो क्वेरी था, ये अच्छे से क्लियर हो गया। ये कंफर्म है पूरा जियो के ऑफिशियल कस्टमर केयर से, ये पूरा कंफर्म है। और नेक्स्ट क्वेरी आपका हो सकता है कि ये आप रिचार्ज कहाँ से करें। तो अभी तो फिलहाल अगर आप किसी शॉप में जाते हो या किसी रिटेल शॉप में जाते हो और उसको आप 303 रुपया देते हो रिचार्ज करने का, तो वो बंदा अभी नहीं कर पाएगा क्योंकि रिटेल शॉप में इसको अभी अवेलेबल नहीं किया गया। आपको ऑनलाइन ही करना होगा या फिर आप माई जियो का जो आपका एप्लीकेशन है आपके मोबाइल में होगा उसके थ्रू आप रिचार्ज कर सकते हो, या फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सिंपली जियो वॉलेट से रिचार्ज करें। अगर अभी नहीं हो रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके लिए अभी कोई शॉर्ट डेडलाइन नहीं है कि आपको आज ही करना पड़ेगा तभी आपको, आप 15 अप्रैल तक कभी भी रिचार्ज कर सकते हैं। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अगर रात को जगते हो, जियो यूज़र हो तो जगते ही हो गए यार, तो अगर आप रात को जगते हो तो 12 या 1 बजे के बाद आप जियो वॉलेट से रिचार्ज करो तो वो इंस्टेंट हो जाएगा। तो जियो वॉलेट से मैंने रिचार्ज किया और किस तरह रिचार्ज किया है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ, जो बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा कुछ देर के बाद। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है कि किस तरह आपने मैंने रिचार्ज किया और कौन कौन से प्रॉब्लम मैंने फेस किए बट उसको ओवरकम करके मैंने रिचार्ज किया, तो ये चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं बहुत जल्दी वो वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतनी, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और उन्हें भी बताएं ये न्यू अपडेट के बारे में। एंड सब्सक्राइब करें एक्सप्लोर सुमित को, मैं इस टाइप के हमेशा ट्रेंडिंग टेक वीडियोज़ बनाते रहता हूँ और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो जो आपके लिए रिलेवेंट हो सकती है। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, यू गाइज हैव अ ग्रेट डे।